बच्चों, आज हम कश्मीरी कवित्री ललद्यद द्वारा रचित वाक् कविता पढ़ने जा रहे हैं। ललद्यद कश्मीर की एक लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म सन 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित पाम्पोर जिले के एक गांव में हुआ था। उन्हें लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास हुई थी। ललद्यद का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। बच्चों, ललद्यद अपने वाकों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की यादों में और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का स्तंभ मानी जाती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री ललद्यद कहती हैं कि मेरी सांसें कच्चे धागे के समान हैं। यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी से बना हुआ है और मैं सांसों रूपी कच्चे धागे से अपनी जीवन रूपी नाव को खे रही हूँ, यानी अपना जीवन बिता रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, ना जाने प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करवाएंगे। अर्थात कवित्री अपने आराध्य देव से पुकार कर कहती है कि मेरी जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर से पार करवा दो। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे कवित्री कहती है, जिस प्रकार कच्चे सकोरे होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन अगर मिट्टी कच्ची रह जाती है तो पानी टपकता रहता है। घड़े को पकाकर, मिट्टी को पकाकर घड़ा बनाया जाता है। जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। बच्चों, अब हम इस वाक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवित्री किससे क्या खींच रही है? उत्तर होगा, कवित्री कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही है। यहाँ पर धागे सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है।
आशय यह है कि वह नश्वर सांसों की सहायता से जीवन जी रही है। दूसरा प्रश्न, कच्चे सकोरे का उदाहरण क्यों दिया गया है? कच्चा सकोरा मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है, तो जीवन की नश्वरता दिखाने के लिए कच्चे सकोरे का उदाहरण दिया गया है कि कच्चे सकोरे में से जिस प्रकार पानी टपकता रहता है उसी प्रकार जीवन से सांसें खत्म हो रही हैं। तीसरा प्रश्न, कवित्री के जी में हूक क्यों उठती है? हूक यानी कसक। कवित्री परमात्मा से मिलना चाहती है लेकिन वह परमात्मा से मिल नहीं पा रही है, जिसके कारण उसके जी में रह रहकर हूक उठ रही है। चौथा प्रश्न, घर जाने की चाह से कवित्री का क्या तात्पर्य है? कवित्री परमात्मा के घर जाना चाहती है, अर्थात मुक्ति चाहती है। परमात्मा के घर को ही वह अपना घर मानती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बन द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री ललित गद्य कहती हैं कि तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। भोग यानी जो सांसारिक ऐश्वर्य के साधन हैं जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है, उनमें हमें डूबना नहीं चाहिए। न खाकर बनेगा अहंकारी, और ऐसा भी तुम्हें नहीं बनना है कि तुम त्याग और तपस्या का जीवन अपना लो, क्योंकि अगर तुम त्याग और तपस्या का जीवन अपना लोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम खाने का आशय है भोगों पर उचित संयम रखना, न तो भोग से दूर रहना ना ही उसमें लिप्त रहना, बल्कि उचित भोग करना। और संभावी जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है। तो कवित्री कहती हैं कि भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपना लो, समान भाव से रहना सीख लो। यदि तुम दोनों में समानता संतुलन बना लोगे तो जो प्रभु भव प्राप्ति के बंद द्वार पड़े हुए हैं वे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, अर्थात तुम्हारा प्रभु से मिलन हो जाएगा। तुम्हें भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाना होगा, अहंकारी नहीं बनना होगा, भोगों में लिप्त नहीं रहना।